हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाला है कि आप रिज्यूमे कैसे बनाना है या फिर कैसे आप अपना अच्छा रिज्यूमे आप बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आजकल जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखा जाता है। और अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं आता तो कंपनी आपको पहले रिजेक्ट कर देगी, आपको इंटरव्यू नहीं लेगी। भले आपको कितने एक्सपीरियंस हो, आपको कितने नॉलेज हो, कितने आपके पास टैलेंट हो, लेकिन अगर आपने सीवी अच्छा नहीं बना रखा है तो कंपनी आपको पहले रिजेक्ट कर लेगी, आपको इंटरव्यू नहीं लेगी। तो इसमें आपके चांसेस काफ़ी कम होते हैं अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होने के। तो आपको अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होना, आपको सबसे पहले आपका रिज्यूमे अच्छा बनाना पड़ेगा। और रिज्यूमे अच्छा बनाने के लिए अगर आप डायरेक्टली अगर इसमें जाएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप उसका उतना अच्छा रिज्यूमे नहीं बना सकते हो, उसको सेटिंग अगर आप उतनी अच्छी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ फ्री टेम्पलेट्स है जो बहुत सारी वेबसाइट आप अवेलेबल करवाती है, तो आप उन टेम्पलेट्स का यूज़ करके अच्छा रिज्यूम बना सकते हो। वैसे बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन क्या करते हैं अधिकतर वेबसाइट ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको रिज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं, कोई आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वेबसाइट है, कैसे बनाना है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उसके पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो मेरे सिस्टम की स्क्रीन वो कम्प्लीटली दिखे अच्छे से। तो आई थिंक मेरे स्क्रीन आपको दिख रही होगी बढ़िया से। तो जो वेबसाइट का नाम है मैं आपको बताता हूँ, गुड सीवी करके वेबसाइट का नाम है, सॉरी गुड सीवी करके आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी वो ही आएगी। आप यहाँ देखेंगे गुड सीवी डॉट कॉम करके वेबसाइट का नाम है। तो जैसे ही आपने ओपन किया ये इस टाइप से आ जाएगी। मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो सिंपली आपको जीमेल से लॉगिन कर लेना है, और चाहे तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद इसका ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर, वो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर चल जाना है क्रिएट रिज्यूमे पर, और क्रिएट रिज्यूमे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप के यहाँ पर टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए ओपन हो जाएंगे। अब ये सारे टेम्पलेट जो देख रहे हैं सारे टेम्पलेट फ्री हैं, इसमें एक भी टेम्पलेट जो है पेड नहीं है। आप यहाँ देखेंगे सब पे लिखा हुआ है फ्री। तो आप देखेंगे कितने सारे टेम्पलेट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। और जिस टाइप का आपको यहाँ पर सीवी चाहिए उस टाइप का सीवी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आपको बना हुआ मिल जाएगा। सपोज अगर आप कोई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग की वगैरह कंपनी है, तो आप उसको अलग से बना सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम का ये टेम्पलेट है तो आपको इंस्टाग्राम के हिसाब से बना सकते हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं। या फिर आपको कोई अगर प्रोफेशनल चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर सीवी यहाँ पर बने हुए टेम्पलेट। तो आपको सिंपली खाली इसमें आपको डेटा डालना है और आपका सीवी बन के रेडी हो जाएगा, और आप सिंपली उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे करना है सिंपली मैं आपको लेकर चलता हूँ कोई एक टेम्पलेट के ऊपर। सपोज मान के चलिए ये टेम्पलेट है, इसको अगर आपको एडिट करना है तो इस पर क्लिक कर दें। सॉरी मेरा यहाँ पर जो पैकेज है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल हो चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको नया टेम्पलेट नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टेम्पलेट ऑलरेडी इसमें बना दिए हैं। तो मैं आपको मेरा बना हुआ टेम्पलेट है वही दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं रिज्यूमे पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे जो ये मेरे कुछ रिज्यूमे बने हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर कोई एक रिज्यूमे है उसको डिलीट कर देता हूँ, तो आई थिंक मैं वापस अपना नया रिज्यूमे यहाँ पर क्रिएट कर पाऊँगा। 1 2 3 4, हाँ 4 सीवीज मेरे यहाँ पर है, तो शायद आई थिंक मैं को वापस वापस से एक और नया रिज्यूमे यहाँ पर बना सकता हूँ आई थिंक। लेकिन मैं 4 5 रिज्यूमे पहले इसमें बना रखे हैं अलग अलग। ओके अभी ये काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले कुछ सीवी यहाँ पर बना रखे हैं, तो शायद ये वापस इसको मैं उनको नया सीवी बनाने को नहीं दे रहा था, लेकिन आप यहाँ देखेंगे मैंने मेरा सीवी यहाँ पर पूरा पहले बना के रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको नया रिज्यूमे पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू रिज्यूमे और नया टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा, तो भी मेरा डेटा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो था वो ऑलरेडी आ ही रहा है यहाँ पर। तो बताता हूँ मैं आपको कैसा करना है। यहाँ पर जब भी आपको अगर टेम्पलेट बनाना है आप उसको टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और सिंपली आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको जो भी डेटा डालना है आप डेटा अपना डाल दीजिए, और सीवी को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को अगर ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, सपोज मान के चलिए अगर ये मेरे को टेम्पलेट अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो मेरे को इसको सीवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ टेम्पलेट को, और कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस इसका आ जाएगा। अब मेरे को मेरी डिटेल यहाँ पर डाल लेनी है कि मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, कौन सा मेरा मैंने यहाँ पर समर इंटर्नशिप वगैरह कर रखा है, कोई मेरे को अगर अवार्ड वगैरह मिला है तो, या फिर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, मेरे पास कंप्यूटर की कोई नॉलेज है, कोई लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, और मेरे बारे में मैं सब यहाँ पर डिटेल डाल दूंगा। नाम पता वगैरह सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ डिटेल्स मिसिंग है आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। तो जब भी आप इसमें चेंज करेंगे टेम्पलेट तो कुछ डिटेल यहाँ पर मिसिंग आउट हो जाती है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बार आपने पूरी डिटेल डाल दी यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर पूरा मेरा सीवी बना दिया है, अब मान लो अगर मेरे को ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है इसको,
तो आपको फॉर्मेट चेंज करने के लिए सिंपली खाली टेम्पलेट चेंज करना है, आपका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आपको वापस से कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए आउटस्टैंडिंग 9 वाला, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो भी मेरा डेटा है वापस कन्वर्ट होकर इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। कुछ कुछ डिटेल्स से जो मिसिंग आउट हो जाएगी, जैसे कि वेबसाइट का नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, तो कभी कभी आपको फोटो और नाम भी मिस हो जाते हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट डालने पड़ेंगे, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा डालने पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो डिटेल्स रहेगी वो एज इट इज यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ जाएगी, आपको कोई मदद नहीं करना है। तो आप उसको अलग अलग सीवीज बना सकते हो, 4-5 तरीके, मान लो एक ये सीवी सेव कर दिया मैंने, फिर अगर मेरे को ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चाहूँ तो अगर ये वाला सीवी मुझे चाहिए तो मैं ये भी सेव करके रख सकता हूँ। आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पर डाला है तो मैं बाकी डिटेल सारी यहाँ पर इसमें कन्वर्ट होकर आ चुकी है, सिर्फ यहाँ पर नाम और फोटो नहीं आया, तो मेरे को नाम और फोटो आपस में डालने पड़ेंगे। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है जो नहीं आती है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, तो आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा। आप देखते अगर ये से वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ तो आप पूरा डेटा मेरा जो है इसमें यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ चुका है, खाली मेरे को नाम और फोटो यहाँ पर डालने पड़ेंगे, बाकी सारी डिटेल मेरे को यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आ चुकी है। तो अब ये तो हो गया सीवी को आपको बनाने का, कि आपको बेसिक डिटेल आपकी डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद सपोज अगर आपको सीवी को सेव करना है तो आप उसको सेव कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो इनिशियल डिटेल थी सारी यहाँ पर मिस आउट हो चुकी है, लेकिन बाकी की डिटेल जो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वो एज इट इज़ आ रहा है यहाँ पर। तो मैं मेरा कोई सा फॉर्मेट ओपन करता हूँ जिसमें पूरा डिटेल आ जाए, तो उसको मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। सपोज चलो फॉर्मेट में ये वाला रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज फॉर्मेट मेरा ये वाला है, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, नाम लिख दिया, यहाँ पर आपको फ़ोटो सिंपली अपलोड कर लेना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको यहाँ पर रखना है एक, और फोटो जैसे मैं ये वाला मेरा फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ इधर। फ़ोटो अपलोड होने के बाद इसको आप यहाँ पर थोड़ा इसको आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इधर उधर, जहाँ से आपको यहाँ पर सेंटर यहाँ पर का फोटो आ जाए और थोड़ा अच्छा भी दिखे। तो मैंने यहाँ पर मेरा फ़ोटो डाल दिया, यहाँ पर डन कर दिया है, तो आप देखेंगे फ़ोटो मेरा अपलोड होकर आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो, आपका मेल एड्रेस वगैरह XYZ जो भी आपका यहाँ पर मेल एड्रेस है, gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, और आपका जेंडर जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आप XYZ कुछ भी डाल सकते हो इधर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपकी लोकेशन डाल दीजिए, और उसके बाद आपके बारे में कुछ डेटा है कि आप क्या है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, फलाना डीमा का जो भी आपने कुछ कर रखा है, कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 5 साल का आप काम कर रहे हो ये कंपनी में, तो आपका बेसिक जो बायो रहता है आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना, जाकर यहाँ पर सीवी को सेव कर देना है। जैसे आप सीवी पर सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर सीवी जो है सेव सक्सेसफुली होकर लिखा हुआ आ जाएगा, आपको व्यू करना व्यू कर सकते हो, डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हो। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, अगर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो सीवी है यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर कहाँ पर सेव करना, मैं इसको यहाँ पर सिंपली जाकर इसको दे दूँगा लोकेशन, वो ये आप देखेंगे यहाँ पर मेरा सीवी डाउनलोड होके आ चुका है। अब अगर मैं कोई सीवी देखूंगा मेरा, तो अगर वापस आपको अगर ये सीवी एडिट करना है तो सिंपली आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना है और आप माई रिज्यूमे पर जाएंगे, तो जो आपका लेटेस्ट जो सीवी रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखेंगे अब ये जो मेरा लास्ट का जो मैंने सीवी एडिट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, चाहूँ तो मैं जाकर इसको वापस एडिट कर सकता हूँ और वापस सेव। जैसे आपको कोई चेंजेस करना है इसमें तो आपको जाकर इस पर क्लिक करना है, मान लो कि आपको कोई लोकेशन चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, कुछ डेटा आपको यहाँ पर मिस आउट हो गया है वो आपको ऐड करना है, तो आप इसको एड आउट कर सकते हो, और जो लेआउट है आपको उसको भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपका वर्क एक्सपीरियंस इसको आपको ऊपर रखना है, एक्सपीरियंस नीचे रखना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप डन करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पहले आ जाएगा, एजुकेशन वो बाद में आ जाएगा। ऐसे अगर आप चाहें तो कुछ नई चीज़ भी ऐड कर सकते हो, सर्टिफिकेशन यहाँ पर मैंने नहीं ऐड कर रखे, आप चाहे सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, आपको कोई इंटरेस्ट है आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो आप यहाँ देखेंगे सर्टिफिकेशन और इंटरेस्ट यहाँ पर अलग से लिखे हुए, जैसे ये आगे सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन में आपके पास कुछ और चीज़ है तो आप इसको भी एडिट कर सकते हो। सर्टिफिकेशन की जगह आप यहाँ पर कुछ और चीज़ लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना होता है XYZ सपोज, और उसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये सब डालने के बाद सिंपली वापस आपको सेव पर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर जो सेव हो जाएगा, इंटरेस्ट डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट जो मैंने डाला है वहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये मिस आउट है, या तो फिर आप कुछ चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं, यहाँ से हाइड हो जाएगा तो आपको कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मेरा जो सीवी यहाँ पर सेव हो चुका है, फिर मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से ये शो होता है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा एक PDF को, आप यहाँ देखेंगे तो ये जो मेरा सीवी पूरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है PDF फॉर्मेट में, इस टाइप का मेरा सीवी यहाँ पर दिख रहा है। अब एक इश्यू इसमें यह है कि आप यहाँ देखेंगे तो ये 2 पेज में यहाँ पर आ रहा है, 1 पेज में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए एक और वेबसाइट है जिसको आप यहाँ पर इसको पेज को यहाँ पर मर्ज कर सकते हो।
वो सिंपली वेबसाइट कौन सी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने उसका यहाँ पर बुकमार्क सेव करके रखा है, pdfdu.com इसका वेबसाइट का नाम है। आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पर, तो जो दो पेज में जो आपका सीवी बन के आ रहा है पीडीएफ में, आप उसको मर्ज करके एक पेज में ला सकते हो। तो ये वेबसाइट का सर इंटरफेस है, सिंपली आपको यहाँ फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये वाली फाइल है मेरी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि स्विच टू टू पेज टू वन पेज, तो मेरे को दो पेज से एक पेज में करना है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ स्विच फोर पेजेस टू वन पेज, अगर आपका चार पेज में, चार पेज से आप भी एक पेज में कर सकते हो। और वो बाकी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, आपको वर्टिकल रखना, हॉरिजॉन्टल रखना है, तो मेरे को ये यहाँ पर जैसे कि ऐसा वर्टिकल रखना, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, तो मैं इसको ये वर्टिकल वाला सिलेक्ट कर लूँगा, स्विच टू पेजेस टू वन पेज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल तो ऐसा आड़ा आएगा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो बीच में जो स्प्लिट की लाइन आ रही है, अगर वो आपको चाहिए तो आप चाहे तो दो दो पेज के बीच में स्प्लिट की लाइन बना सकते हो, वो चाहे तो उसको लाइन को हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो स्प्लिट की लाइन है उसको हटा दिया है। अब सिंपली मैं इसको मर्ज पर क्लिक करूँगा, तो जो मेरा जो रिज्यूमे दो पेज मारा था वो एक पेज में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे मेरा जो रिज्यूमे यहाँ पर रेडी हो चुका है, और मैं इसको यहाँ पर फाइल को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पर। तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, मेरी जो फाइल है यहाँ पर ये आ चुकी है इधर, और इसको मैं सेव कर लूँगा पीडीएफ में ही। अब आप देखेंगे दोनों में चेंजेस क्या है, ये वाला जो नया सीवी है मेरा, आप यहाँ देखेंगे पहले ये दो पेज में शो हो रहा था, अब ये पूरा एक पेज में लगेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये मेरा पुराना फॉर्मेट है, आप ये देखेंगे बीच में यहाँ पर पेज जो है ब्रेक हो रहा है यहाँ पर दो पेज में, और अभी जो ये आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक पेज में आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है बीच में ब्रेक हो, पेज लंबा रहेगा लेकिन थोड़ा ब्रेक नहीं होगा बीच में, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। जब प्रिंट आउट निकलेंगे आप तो ये आपको ऐसा एक पेज में ही आएगा, या फिर आप उसको बैक साइड भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा जो देखते हो आजकल प्रिंट आउट भी कम निकालते हैं लोग, सॉफ्ट कॉपी देखते हैं यहाँ पर जो रिक्रूटर रहते हैं, तो उनको लगेगा नहीं कि दो पेज का सीवी है, उनको एक पेज लगेगा। लेकिन अगर ये वाला सीवी देखेंगे तो उनको लगेगा कि दो पेज में आ रहा है, बीच में पेज ब्रेक हो रहा है। तो इसको आप ऐसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और सिंपल बात अच्छी है कि इस वेबसाइट में आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने, टोटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर लॉगिन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली सिंपली आपको आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं इसमें अपनी जीमेल आईडी से। और बाद में भी अगर आपको दो पाँच दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद आपको सीवी अपडेट करना है, तो आपको वापस पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए जीमेल से, आप अपने रिज्यूमे पर जाइए, और जो भी आपके पास्ट में जो रिज्यूमे बने हुए हैं आप उनको जाकर यहाँ पर एडिट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मेरे हिसाब से, आप इसमें एक अच्छा सीवी बना सकते हैं। और कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई डाउट हो तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने मेरा आपका सीवी यहाँ पर दिखाई दिया है कैसा है, ये तो ओरिजिनल वाला रिज्यूमे नहीं है, यहाँ पर डुप्लीकेट है, लेकिन ओरिजिनल वाला सीवी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।